नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज, मैं हूं सुनील राउत। दिल्ली पुलिस ने आईएसआईएस से जुड़े जिस संदिग्ध पति पत्नी को कल ओखला के जाबिया नगर से गिरफ्तार किया है, उनको लेकर अब नए नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस को पति पत्नी के पीएफआई मेंबर से जुड़े होने के तार भी मिले हैं। पति पत्नी की गिरफ्तारी के बाद कल रात दिल्ली के त्रिलोकपुरी से पुलिस ने एक पीएफआई मेंबर को भी हिरासत में लिया है। ये भी खुलासा हुआ है कि आरोपी पति के कई नाम से सोशल मीडिया अकाउंट्स कई सोशल प्लेटफॉर्म्स पर थे या है, आप कह सकते हैं। गिरफ्तार हुए जहान जेब सामी और हीना बशीर बेग पति पत्नी हैं, दोनों ओखला विहार के जामिया नगर में रहते। सूत्रों के मुताबिक दोनों दिल्ली में आत्मघाती हमले की तैयारी भी कर रहे थे और दोनों की भूमिका दिल्ली में CAA के खिलाफ लोगों को भड़काने में भी रही है। खबर है कि अब NIA इनसे पूछताछ करेगी, लेकिन शुरुआती पूछताछ में जो इन्होंने खुलासे किए हैं वो काफी चौंकाने वाले हैं। इस दंपत्ति के पास से बेहद भड़काऊ साहित्य मिला है। जांच में पता चला है कि आरोपी हीना बशीर बेग ISIS की मैगजीन में आर्टिकल लिखा करती थी और अपने पति जहान जेब सामी के साथ मिलकर CAA विरोध के नाम पर एक बड़ी साजिश रच रही थी। ये दोनों सोशल मीडिया पर भी काफी सक्रिय थे और कई सारे सोशल मीडिया अकाउंट उन्होंने बना रखे थे जहां से ये घृणा फैलाने का काम करते थे। इन अकाउंट के जरिए ही ये दोनों मिलकर सोशल मीडिया पर कई सारे ग्रुप भी चलाते थे। इन ग्रुपों के जरिए दोनों मिलकर भारतीय मुसलमानों को सरकार के खिलाफ भड़काते थे ताकि देश में चल रहे नागरिकता कानून का विरोध प्रदर्शन और भी ज्यादा उग्र रूप ले सके। इनके पास से जो साहित्य बरामद हुआ है उसमें लिखा है कि CAA काला कानून है और जो CAA के पक्ष में है वो हमारा दुश्मन है। वहीं इस साहित्य में यह भी लिखा गया है कि दुनिया में वही रहेगा जो इस्लाम पर राज करेगा। सूत्रों के मुताबिक सामी ने पूछताछ में बताया कि उसकी पत्नी हिना IS समर्थक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहती जहा अल कश्मीरी और हन्ना बी समेत कई नामों के साथ सक्रिय है। हिना सोशल मीडिया पर उन लोगों की पहचान करती हैं जिनमें आतंकी बनने लायक विचार हो और फिर उन्हें बाद में इसके लिए वो उत्साहित करती हैं ताकि वे आतंकी संगठन के साथ जुड़ जाएं। ये दोनों ही कश्मीर के रहने वाले हैं। जांच में पता चला है कि दोनों फेसबुक के जरिए संपर्क में आए थे। सामी एक बार दुबई भी जा चुका है। अगस्त में जम्मू कश्मीर में इंटरनेट बंद हो जाने के बाद से ये दोनों पति पत्नी दिल्ली आ गए थे। इन दोनों का काम इंटरनेट से ही जुड़ा था और इनका मकसद ज्यादा से ज्यादा लोगों को NTCAA NRC प्रदर्शन से जोड़ना था। बता दें कि जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा खत्म करने के बाद केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में इंटरनेट पर पाबंदी लगा दी थी। अब पुलिस कई एंगल पर जांच कर रही है। जांच का एक दायरा ताहिर हुसैन के घर में हुई IB अफसर अंकित शर्मा की बर्बर हत्या भी है, क्योंकि जिस बर्बर तरीके से 400 बार चाकू घोंप कर और आते बाहर निकालकर अंकित शर्मा के शव को क्षत विक्षत किया गया था, विशेषज्ञों की माने तो इस तरीके से केवल ISIS से जुड़े आतंकी ही हत्या करते। हालांकि उस समय यह सवाल दब गया था, लेकिन अब हिंसा की जांच में पुलिस इस एंगल पर भी काम कर रही है। पकड़े गए ये दोनों संदिग्ध आतंकी अनपढ़ नहीं है बल्कि काफी पढ़े लिखे हैं। स्पेशल सेल के मुताबिक जहां जेब शमी ने बीटेक किया है जबकि हीना ने MCA किया है। पति दिल्ली में एक निजी कंपनी में काम करता है। दोनों अफगानिस्तान में इस्लामिक स्टेट के बड़े हैंडलर के संपर्क में थे और अगस्त में कश्मीर में इंटरनेट बंद होने के बाद इधर दिल्ली आ गए थे। स्पेशल सेल की जांच में यह भी बात सामने आई है कि आरोपी CAA के विरोध में प्रदर्शन कर रहे लोगों को फ्री कश्मीर के स्लोगन लगवाते थे। ये लोग दिल्ली के अलावा मुंबई और UP के कई शहरों में भी लोगों को CAA का डर दिखाते, उन्हें कौम के खिलाफ बड़ी साजिश बताते थे, प्रदर्शनकारियों को भारत सरकार के खिलाफ ये भड़काते थे। दंपत्ति के पास से बहुत भड़काऊ किताबें और काफी आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई है। जिस खुरासान मॉड्यूल से जुड़ने की बात इनके सामने आ रही है उसका बेस पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर है। अपने खतरनाक हमलों और फंड जुटाने के लिए अफगानिस्तान पाकिस्तान बांग्लादेश से सीधे जुड़ा हुआ है। भारत से भी फंड भेजे जाने की खबरें पहले सामने आती रही है। कथित तौर पर यह आरोप लगाया जाता है कि इसे पाकिस्तानी सेना ने ही खड़ा किया है। खुरासान अफगानिस्तान का एक ऐतिहासिक एरिया है जिसमें अफगानिस्तान और ईरान के हिस्से शामिल थे। अफगानिस्तान में अमेरिका और तालिबान के बीच डील के बाद भारत के लिए यही एरिया खतरे के तौर पर देखा जा रहा है। IS खुरासान में तालिबान छोड़ने वाले और विदेशी लड़ाके दोनों शामिल हैं। इस संगठन को बेहद
क्रूर माना जाता है। तो इतने दिनों से जो सीए के नाम पर, एनआरसी के नाम पर इस देश के मुसलमानों को जो बरगलाया जा रहा था, शायद इस दंपत्ति के पकड़े जाने के बाद उनके होश ठिकाने आए और उनको समझ में आ जाए कि उनका इस्तेमाल कैसे एक आतंकी संगठन कर रहा था और एक भीड़ के तौर पर उन्हें प्रोजेक्ट करके अपना काम, इस देश में जो अस्थिरता पैदा करने का काम ये संगठन कर रहे थे, अपना मकसद पूरा कर रहे थे। अब उम्मीद करते हैं कि देश का मुसलमान जो है इसके बाद जागेगा और वो समझेगा कि सीए के नाम पर जो विरोध है वो बेजा है और वो इन आतंकी संगठनों के कठपुतली बनकर काम नहीं करेंगे। तो ये सारी जानकारी है उस दंपत्ति के बारे में, और भी इनसे जुड़े खुलासे होते रहेंगे, वो भी हम आपको मुहैया कराते रहेंगे। इसके लिए आपको करना ये है कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जो भी वीडियोस हो हमारे वो आपको मिलते रहे, नोटिफिकेशन आपको आते रहे। इसके लिए बेल आइकन दबा दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि लोगों को इस जानकारी के बारे में पता चल सके कि सीए की आड़ में क्या साजिश चल रही थी। और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज़। शुक्रिया।